नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओआरएस पाउडर के बारे में। ओआरएस का पूरा नाम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। ओआरएस क्या काम करता है, कैसे काम करता है, बहुत सारे दोस्तों का ये डाउट्स रहता है। ओआरएस केवल बच्चों के लिए होता है या फिर बड़े लोग भी इसका यूज़ करते हैं? ओआरएस को हम गर्मियों में ले सकते हैं या फिर जाड़े में भी ले सकते हैं? ओआरएस के क्या फ़ायदे होते हैं? क्या इसको हम चाहकर भी घर में बना सकते हैं या नहीं बना सकते? तो आज के इस वीडियो में हम बात इन सब क्वेश्चन के बारे में करेंगे, ओआरएस से संबंधित, जो कि आपके दिमाग में घूमते रहते हैं। ओआरएस बहुत ही आम दवा है जो कि ओरल रिहाइड्रेशन के तौर पे हम लोग यूज़ करते हैं, यानी कि ऊपर से इसको मुँह से लिया जाता है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट ये काम क्या करता है, इसके तरीके के बारे हम जानेंगे और साथ ही में इसके साइड इफेक्ट और इसको किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, घर में इसको कैसे बनाए, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम जानते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका एक डाउट्स ये हो जाना चाहिए कि इसको छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोग भी यूज़ करते हैं, ये किसी स्पेशल किसी लोगों के लिए नहीं होता है। इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट होते हैं सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और आपका इसमें ग्लूकोज होता है, यानी कि तीन तरीके से ये हमारी बॉडी पे काम करता है। जो आपका पोटेशियम होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम आपकी थकान को दूर करता है, आपकी मसल्स जो है मांसपेशियां हैं उनमें ऑक्सीजन का प्रवाह करवाता है और साथ ही में बहुत उसको जो ऐंठन रहती है उसको भी सही करता है। और आपका जो ग्लूकोज होता है, चीनी इसमें भी मिला होता है, तो ग्लूकोज का काम करता है जो कि आपकी बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है। ओआरएस पीने के बाद में इंसान को ताजगी महसूस होती है उसको, और थकावट अगर होती है तो वो भी सही हो जाती है, उसको दस्त आते हैं वो भी सही हो जाते हैं, और उसकी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं डिसबैलेंस हो जाते हैं तो वो मेंटेन हो जाते हैं। इसका यही काम होता है। इसके फायदे हमको बच्चों में भी देखने को मिलते हैं, बड़ों लोगों में भी देखने को मिलते हैं। बच्चे में खास करके इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है और बड़े लोग भी इसको यूज़ करते हैं। इसका यूज़ कैसे करते हैं? इसको पाउडर होता है, इलेक्ट्रॉल नाम से इसका पाउडर आता है, ब्रांड नेम कोई भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जो ओआरएस होता है, जो उसके अंदर के सॉल्ट होते हैं वो सेम ही होते हैं। तो इसका यूज़ आप साफ पानी से, ताज़े पानी से उसको मिला के करते हैं। 1 लीटर पानी में ये पूरा पैकेट घोला जाता है, जिसको दिन में 2 से 3 बार, ज़रूरत के हिसाब से 4 बार भी लिया जा सकता है। इसके साइड इफेक्ट बहुत कम मात्रा में होते हैं, ये डॉक्टर की सलाह से और बिना डॉक्टर की सलाह से भी यूज़ करते हैं। डायरिया में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और चक्कर आना, उसमें भी बहुत ज़्यादा, मुँह सूखना उसमें भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, थकावट महसूस होना, मांसपेशियों का खिंचाव नहीं हो पाना, चलने उठने बैठने पर बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगते हैं, वहाँ पे इसका यूज़ होता है। दस्त की वजह से कमजोरी, वहाँ पे इसका यूज़ होता है। और अगर इसको घर में बनाएं तो किस तरीके से बनाएं? इस थोड़ा सा पानी लेके उसमें नमक डालिए और चीनी डालिए, थोड़ी थोड़ी मात्रा, 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक लेंगे, तो नमक से आपका सोडियम क्लोराइड मिल जाता है और चीनी से ग्लूकोज मिल जाता है। पानी में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और जो कि आपके इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन कर देते हैं। नींबू भी उसमें आप स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।